गुड इवनिंग दोस्तों, आज है थर्सडे और मैं बना रही हूँ यहाँ न्याज। मैं पीर बाबा के यहाँ जा रही हूँ न्याज लेके, और न्याज बना रही हूँ। न्याज का वीडियो मैंने नहीं बनाया है, बस ऐसे ही सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा इसको बनाते हुए। है जून महीने का थर्सडे, तो सोचा चलिए बाबा जी की जो है न्याज बनाती हूँ, तो भी मैं न्याज बना करके इसको लेके जाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उस जगह का वीडियो बनाऊंगी अगर बनाने दिया तो। चलिए अभी मीठे चावल जो बनने का है उसका वेट करते हैं। सारा सामान इसमें डाल दिया है, तो अभी मैं इसको कुकर को बंद करूंगी। तो ये कुकर को बंद कर दिया, अब इसमें एक प्रेशर का मैं वेट करूंगी। देखिए प्रेशर आना शुरू हो गया है। अभी बजे है 5, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा सा परेशानी हो रही है, इतनी धूप है। सोच रही हूँ 6 बजे के आसपास जो है जाऊँ, यहाँ पास में ही है हमारे यहाँ, तो वहाँ जाने का मेरा मन है आज, यहाँ गंगानगर में। तो चलिए तैयार होती हूँ, तैयार होके चलते हैं पीर बाबा के। आज हमने यहाँ अचार डाला है, ये मैंगो पिकल डाला है, ये गलगल का पहले का डाला हुआ है, और ये है लसुआ का अचार। दोस्तों इसकी जो है वीडियो बनाना मैं भूल गई, लसूड़ा जिसको बोलते हैं, तो ये है अचार के डिब्बे 4। इस सूट का दुपट्टा अभी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। अभी इसका दुपट्टा लेना बाकी है, ये नया सूट है मेरा, तो जब पूरा दुपट्टा आएगा फिर इसका सूट दिखाओगे। सो दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार, और अभी हम जाएंगे और मज़ार पे जाते हैं। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा वहाँ का दिखा दूँगी, तो अभी मैं जो निकलते हैं अभी हम लोग। तो हमारी न्याज बनके हो गई तैयार, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छी बनी थी। एक प्रेशर के बाद हमने इसका स्टीम नहीं निकाला था, तो अब मैं इसमें इसको डाल के लेके जा रही हूँ, और हो सके तो जितने लोग होंगे वहाँ ये जो है बांट के आऊँगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये आज का वीडियो कैसा लगा। इसमें सारा सामान डाल लिया और अब हम जा रहे हैं। जितने दिन छुट्टी होगी तो टीच करवा के आएगी, करवाएगी नहीं। तो दोस्तों रास्ते का व्यू आपको बताती हूँ कि ये रास्ते का व्यू है, यहाँ पर हम जा रहे हैं। ये जो एरिया है कुछ ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड एरिया नहीं है, गंगानगर से हम थोड़ा आगे हैं 40-50 किलोमीटर। तो चलिए रास्ते का व्यू दिखाती हूँ साइड बाई साइड, जो किस तरीके के खेत हैं। अभी देखिए बिल्कुल खेत खलिहान जो है खाली पड़े हैं, क्योंकि यहाँ बारिश ही नहीं होती है। हाँ पेड़ पौधे ज़रूर हरे भरे यहाँ पर है, तो उससे थोड़ा ठीक हो जाता है। आप दोनों साइड देखो, दूर दूर तक कोई इस समय वो नहीं है, बिजाई नहीं हुई है किसी चीज़ की। तो यहाँ से अभी हम थोड़ा आगे आगे हैं, बीच में वीडियो नहीं बनाया था, सिटी के अंदर हम एंटर कर गए हैं। ये जो जगह है श्री कर्णपुर है, यहाँ करणी माता का जो टेम्पल है वो बहुत ही अच्छा टेम्पल है यहाँ पर, और ज़्यादा करके जो लोग यहाँ रहते हैं वो पंजाबी लोग ज़्यादा है इसमें। तो आप देख रहे होंगे वीडियो में कि जो जो लोग हैं, लोगों का पहरावा ज़्यादा करके यही है, और ये आ गई है दरगाह, यहाँ पर मैंने जाना है। तो यहाँ हम उतर गए हैं, और आवाज़ जो थी साउंड पोल्यूशन बहुत था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा म्यूट किया था, और अभी हमें नहीं पता कि वो हमें दरगाह की वीडियो बनाने देंगे कि नहीं। पर चलिए चलते हैं अंदर, मैं देखती हूँ क्या कैसे हैं। देखा मैंने यहाँ पर सफाई हो रही थी, लोग आए भी हुए थे, छोटे बड़े बच्चे सब आए थे।
तो यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर है ये पीर बाबा की, ये लाडी शाह जो नकोदर वाले पीर बाबा है उनकी यहाँ पर है काफ़ी महिमा। और यहाँ पर जो लखदाता पीर की जो ये जगह है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ क्योंकि मैं तो रहती ही चंडीगढ़ में हूँ, आप सबको पता ही है। तो बहुत अच्छा था, तो मैंने इनसे पूछ करके थोड़ा सा अंदर का जो है वीडियो बनाने की परमिशन ली, बट उन्होंने बोला कि बाहर से ही बनाइए। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के, दरगाह में मन को शांति मिली, न्याज मैंने चढ़ाई, दिया जलाया, जो जितना हो सकता था जो मैं कर सकती थी वो की। बहुत अच्छा है, यहाँ पर भैरव बाबा जी का भी साथ में मंदिर है और काफ़ी बड़ा है ये। तो यहाँ पर जो है कवाली वगैरह लगा रखी थी पीर बाबा की, बट उसको मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट आने का थोड़ा रहता है। और बाबा जी से यही फरियाद करूँगी कि सबको खुशियाँ दे, तंदुरुस्ती बख्शे सबको, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि जो है बनाए रखें। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। सो दिया वगैरह जला दिया था दीपक मैंने, तो अभी लास्ट जो था दान पात्र में मैंने जो पैसा डालना था वो डाला, और उसके बाद मैं जो प्रसाद था माथा टेका, प्रसाद लिया, फरियाद की बाबा जी से कि सब ठीक कर दो। और यहाँ पर मैंने फिर इनको बताया कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, तो वो भी बड़े ऐसे अच्छे से बात किए, और उन्होंने प्रसाद जो दिया और जो हमारा न्याज था थोड़ा रख करके बाकी हमें वापस कर दिया, और बोला कि इसको आप बांट दीजिए। और यहाँ से दूसरी साइड में अगर आपको मैं लेके चलूँ, तो इस साइड में भैरव बाबा जी का भी मंदिर इन्होंने बना रखा है, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ आ जाता है प्रसाद बांटने की बारी, तो जो मुझे मिल रहा था मैं सबको बांट रही थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि सबको बांट देना है। तो यहाँ पर प्रसाद मैंने बांट दिया, और अब बारी आ जाती है मान्या की। आप सबको पता है कि बच्चे आजकल जो है ना नखरे बहुत करते हैं, तो ये भी प्रसाद लेने में थोड़ा बोली नहीं मम्मा थोड़ा ही लेना, तो मैं ऐसे थोड़ा डांट रही थी कि आपको खाना ही है। तो इस तरीके से हम लोग प्रसाद बांट दिए और फिर घर आ गए, लेकिन मार्केट से मान्या साथ गई थी, तो ये वहाँ से लेकर के आई अपने लिए पानी पूरी गोलगप्पा खाने के लिए। तो चलिए, सो बड़े ही मज़ेदार गोलगप्पे थे, तो चलिए अभी इसको खा लेते हैं। बाकी मत्था टेक के आने के बाद ना अभी हम खाने लगे हैं ये गोलगप्पे। ये देखिए कितने सुंदर है ना ये गोल गोलगप्पे। तो इसका जो बहुत मज़ेदार थे ये गोलगप्पे, और इसको बनाने में भी मज़ा आ रहा था क्योंकि जो गोलगप्पे तो ऐसे बनते हैं बट इसके पानी में ही थोड़ा सा डिफरेंस नीचे होता है, तो यहाँ का पानी का जो हिसाब था मुझे अच्छा लगा, तीखा तीखा था तो अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा कि इसको ट्राई करना चाहिए। अक्सर मैं घर पे बना लेती हूँ, अच्छा बनाती हूँ, बट कभी कभी बाहर का खाने में भी मज़ा आता है। तो अभी यहाँ मैं खा रही हूँ, अच्छा लग रहा था, अभी बताती हूँ कैसा बना है ये। सारे पड़े हैं, मैं बस एक ही खाऊंगी, मैं बस एक ही खाऊंगी, बाकी सारे के सारे जो है ना मान्या खाएगी। ठीक है, खाएगी? नहीं।